धनुष के करियर की 50वीं फिल्म रायन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर फिल्म बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। चलिए जानते हैं कि पहले दिन फिल्म ने कितनी कमाई की। धनुष साउथ के एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी फिल्में चाहे थिएटर्स में रिलीज हो या ओटीटी पर, वह जबरदस्ती होती है। इस साल की शुरुआत में अभिनेता की फिल्म कैप्टन मिरर रिलीज हुई थी। हालांकि पॉजिटिव वर्ड माउथ के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर सकी थी। अब अभिनेता की फिल्म रायन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में धनुष के अलावा दुशहरा विजयन और संदीप किशन भी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ घंटे का ही वक्त बीता है और फिलहाल इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है। चलिए जानते हैं कि अब तक रायन ने टिकट खिड़की पर कितने नोट बटोरे हैं। बता दें कि रायन धनुष के करियर की 50वीं फिल्म है। इस फिल्म में आपको एक्शन के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि फिल्म तो लोगों को बहुत पसंद आई है और इसे रिस्पॉन्स भी बढ़िया मिल रहा है। धनुष ने अपनी 50वीं फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब आज इस फिल्म का पहला दिन था, ऐसे में रायन को ओपनिंग डे पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का एडवांस बॉक्स ऑफिस भी शानदार रहा है। ऐसे में अब तक कलेक्शन का जो डेटा सामने आया है वह भी बढ़िया दिख रहा है। सेक्निल की रिपोर्ट की माने तो ओपनिंग डे पर धनुष की फिल्म ने शाम 10:30 बजे तक 12.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जिस हिसाब से पहले दिन फिल्म की कमाई हो रही है, उस हिसाब से यह फिल्म शानदार साबित होने वाली है। हालांकि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें देर शाम तक बदलाव संभव है। ऐसे में धनुष की फिल्म अभी और तगड़ी कमाई करने वाली है। रायन के प्रमोशन कंटेंट की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर इस फिल्म को लेकर जमकर हाइप देखने को मिला है। इसी का असर फिल्म की कमाई पर देखने को मिलने वाला है। रायन का पहला दिन का कलेक्शन धनुष के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मानी जा सकती है। रायन में धनुष की एंट्री जबरदस्त है और फिल्म का क्लाइमेक्स भी शानदार कहा जा रहा है। फिल्म में धनुष और सूर्या शानदार भूमिकाओं में नजर आए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में एसजे सूर्या, संदीप किशन, कालिदास जयराम, अपर्णा बालमुरली और तुषार विजयन अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी गैंगस्टर पर आधारित है और इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है। मेकर्स ने रायन को 26 जुलाई को रिलीज कर धनुष के जन्मदिन यानी 28 जुलाई से पहले इसे बेहतरीन तोहफा दिया है। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।